हेलो नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइड में जो एडिटोरियल है, छोटे वाला आर्टिकल है, ये है एक्चुअली मॉब लिंचिंग को लेकर। इसमें ये बताया गया है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है कि भैया आप मॉब लिंचिंग को लेकर या मॉब वायलेंस जो होती है इसको लेकर कोई भी कानून वो वगैरह बनाए जाए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में जो भीड़ के द्वारा हिंसा की जाती है, भीड़ के द्वारा जो न्याय किया जाता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता, और उसके लिए कोई ना कोई कानून की सख्त जरूरत है। ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक किसी ने कानून बनाया, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये है एक्चुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके, कि देखो किसान है वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है करंट गवर्नमेंट वगैरह से लेके, तो इसमें कुछ किसानों के इश्यूज वगैरह हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो पॉलिटिकल एंगल है वो हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है, तो उसके बारे में दो चार पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली हिंदू मुस्लिम के इश्यूज को लेके है, तो आपको पता है कि ऐसे आर्टिकल और ऐसे जो पॉइंट्स है वो यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछती है, तो इसको बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। कुछ खास पॉइंट्स इसमें है नहीं जो हम कहीं एग्जाम वगैरह में यूज कर सकें। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये आया है एक्चुअली इसराइल को लेके, इसराइल की जो भी पॉलिसी है, जो इसराइल को लेकर अभी टू नेशन थ्योरी है उसको बारे में यहाँ पे बेसिकली डिस्कस है वो क्या गया है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत दो चार पॉइंट्स हैं, लोकेशन वगैरह वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है, आज तो आपको तो फ्राइडे है, तो इस आर्टिकल में काफी सारे पॉइंट्स हैं। वैसे आज का जो इश्यू है वो ये है कि भाई जो हमारे देश में मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, क्या इसके लिए व्हाट्सएप जिम्मेदार है, मतलब क्या व्हाट्सएप ही केवल इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है या फिर कुछ और भी है, तो इसके बारे में यहाँ पॉइंट डिस्कस किया गया है, तो उनको भी हम एक करके यहाँ पे देखेंगे। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को लेकर है, तो कुछ काम का है नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कौन जीता कौन हारा, बस हमारे लिए वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो होता है। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है या फॉरेन आप बोल सकते हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उनको रेगुलेट करने को लेके हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली दो तीन पॉइंट्स है वो आपको मैं यही बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने की इसमें जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो गवर्नमेंट 2010 में एक बिल लेके आई थी जिसका नाम था फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन ऑफ एंट्री एंड ऑपरेशंस बिल 2010। इस बिल को एक्चुअली लाया गया बट राज्यसभा में बिल है वो वहीं पे लैप्स हो गया और इसको बाद में आगे नहीं बढ़ाया गया। तो राइटर के द्वारा यह बताया जा रहा है कि देखो अभी हमारे देश में देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूट को जो रेगुलेट किया जा रहा है वो भी यूजीसी की तरह ही किया जा रहा है, कुछ ज्यादा खास गाइडलाइंस वगैरह है नहीं। उनके बारे में यहाँ पे दो चार पॉइंट्स हैं वो हैं, तो दो चार पॉइंट्स कौन कौन से, एक तो आपको बता दूं, एक तो इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है वो लेके आनी है। इसके साथ ही यहाँ पे एक दो पॉइंट ये बताया गया है कि देखो अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उसका सेटलमेंट इंडिया में ही करना होता है, मतलब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट इंडिया में है और उसका कोई भी डिस्प्यूट होगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो उसका जो सोल्यूशन है या जो भी विवाद का निपटारा है वो इंडियन जुडिशियरी के दायरे में ही होगा, ना कि ऐसा नहीं कि वो कोई फॉरेन में जाकर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट वगैरह की हेल्प ले रही हो, वो यहाँ के लिए वैलिड नहीं है। पहली बात तो ये रेगुलेट करने के लिए। इसके बाद में बात ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट अगर इंडिया में मान्यता लेना चाहता है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, उसके कम से कम भी 50 करोड़ का बजट उसका होना चाहिए, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको मान्यता दे या ना दे। तो ये बात यहाँ पे डिस्कस है वो की गई है। इसके बाद में बात ये की गई है कि देखो जो मेन कंट्रोल है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, जो फ्रेमवर्क वगैरह है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके लिए डिसाइड करेगी, गाइडलाइंस वगैरह हैं जो फ्रेमवर्क हो गया या फिर उनके आप बोल सकते हो कि अगर किसी इंस्टीट्यूट को वापस मान्यता वगैरह कैंसिल करनी, ये सारे काम सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी ज्यूरिडिक्शन के तहत ही करेगी। तो ये कुछ रेगुलेट वगैरह करने के बारे में यहाँ पे बेसिक पॉइंट है, तो हमने उनको देख लिया, दो चार पॉइंट्स यहाँ पे कुछ काम के थे, ज़्यादा कुछ देखो इतना कंटेंट जरूरी है नहीं इसमें कि आप उसके लिए नोट्स बनाओ, तो रहने देना। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज का जो हमारा मेन आर्टिकल है वो यहाँ पे है नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव को लेके है। देखो बेसिकली इस आर्टिकल की शुरुआत है वो तो कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके, आपको पता है कि आज है वो पार्लियामेंट की लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है इसको लेके आज चर्चा वगैरह होने वाली है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में दो चार फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की, तो ये हमें पता होना चाहिए कि केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्ट नहीं होते, पहली बात तो ये है, तो इसलिए हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है, लोकसभा को केवल भंग वो किया जा सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल लोकसभा में आता है, और लोकसभा की जो नियमावली आप बोल सकते हो कि जो रूल रेगुलेशन की जो बुक है उसके रूल नंबर 198(1) और 198 जो का 5वां पार्ट है उसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाया जाता है। अब लाए जाने के रीजन क्या है, क्यों लाया जाता है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो जो भी करंट जो भी गवर्नमेंट सत्ता में होती है, जैसे हम करंट का एग्जांपल ले लेते हैं अभी ताकि ज़्यादा अच्छे से इश्यू समझ में आए। जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली बीजेपी है वो यहाँ पे मेजोरिटी में अपनी सरकार है बना के रखी हुई है, बट जो विपक्षी पार्टियाँ जैसे TDP है, जो आंध्र प्रदेश की पार्टी, वो एक्चुअली बीजेपी से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना अलायंस भी तोड़ लिया था। रीजन ये था कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का इशू था कि भाई जो करंट गवर्नमेंट है वो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा है वो नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी से मुंह है वो मोड़ लिया। और जो और भी विपक्षी जो पार्टी
हैं वो सब एकजुट हो गई है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि यहाँ पे विपक्षी जो पार्टी है वो एकजुट हो जाती है और जो सत्ता में जो पार्टी होती है उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, यहाँ पे उसके जो काम किए गए हैं उनको सामने लाया जाता है कि देखो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ये इनकी कमियां वगैरह हैं, इस तरह के काम बेसिकली यहाँ पे किए जाते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहीं ना कहीं जो करंट गवर्नमेंट होती है उसको थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए, उसकी कमियां बाहर निकालने के लिए बेसिकली इसका यूज है वो किया जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। जब 50 सदस्य स्पीकर को इसके बारे में प्रस्ताव दे देते हैं, अनुमति देते हैं, 50 सदस्य जैसे अनुमोदन करते हैं, उसके बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो आगे कंटिन्यू मतलब उस पर चर्चा वगैरह वो आगे होती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो एक चीज आपको उसे पता है कि जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो मंत्री वगैरह हैं, ये सारे किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं मंत्रिपरिषद के प्रति। तो ये चीज हमें थोड़ा यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये किसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे दिए तो है बेसिक पॉइंट, देखो कि आज होने वाला तो डिसीजन क्या होगा वो तो हम देखेंगे बाद में, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने वादे बताएगी वगैरह, वो सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। बट यहाँ पे राइटर ने एक दूसरा एंगल दिया है वो हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइटर का ऐसा कहना है कि देखो भाई जो नेता एमपी एमएलए जो भी है वो अपना डिसीजन देंगे, पता नहीं कब देंगे, बट जो किसान है हमारे देश के फार्मर है उन्होंने तो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया है। मतलब वो कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट से कुछ नहीं इसको लेके यहाँ पे बताया गया है। देखो एग्जाम में हम इन पॉइंट्स का वैसे यूज कर सकते हैं कि भाई कमी वगैरह में इस तौर पर क्रिटिसाइज वगैरह करना हो तो वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे किसान खुश क्यों नहीं है, तो 10 पॉइंट्स दिए गए कि किसान इन रीजन की वजह से जो करंट गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं है। एक रीजन तो ये दिया गया है कि देखो जो 2014 के इलेक्शन के टाइम पे जो वादे किए गए थे करंट गवर्नमेंट के द्वारा वो उन्होंने किसानों के लिए पूरे नहीं किए। दूसरी बात यहाँ पे की जाती है कि देखो जो एमएसपी का वादा था, तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि भाई जो एमएसपी है उसको बढ़ाया जाए, उसकी जो गाइडलाइंस थी उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी किसानों में इसको लेके रोष है, आपस में इश्यू है वो बना हुआ है। और आपको पता है कि आज के टाइम पे जो एग्रीकल्चर है उससे कोई इनकम तो इतनी खास होती नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो किसान है उनको भी इससे इकोनॉमिक लॉस भी होते हुए जा रहे हैं। इसके बाद में जो कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही थी और जो एमएसपी की बात की जा रही थी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की, देखो आपको बता दूं पहले मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होती क्या है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का मतलब ये होता है जब भी फसल बोई होती है उससे पहले ये डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इस बार ये फसल हम इस रेट पे खरीदने वाले हैं, ताकि किसानों को पता चल जाए कि अगर हम ये फसल बोएंगे तो हमें इस ये रेट तो कम से कम गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देगी, चाहे मार्केट में मिले या नहीं मिले। जैसे कि अभी आपको पता है कि जो बाजरे वगैरह है जो खरीफ की फसल है वो बोई जानी है, तो इस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने पहले अपनी जो पॉलिसी है वो डिक्लेयर कर दी कि भाई बाजरे की है वो जैसे 2000 रुपये क्विंटल जो भी है वो अमाउंट डिक्लेयर है वो कर दी गई है। अब मतलब इसका ये हो गया, अब जो किसान अगर बाजरा बो रहे हैं अगर उनको मार्केट में उतने दाम नहीं मिल रहे हैं 2000 जो भी एमएसपी डिसाइड की गई उसके मुताबिक, तो वो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, गवर्नमेंट उनसे 2000 रुपये जो भी एमएसपी डिसाइड की गई है उसके मुताबिक वो खरीदेंगे। तो मतलब कहने की एमएसपी है वो किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई गई है, बट एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफी असंदिग्धता ही है, तो उसको लेके काफी बड़ा बवाल है वो रहता है कई बार, तो लेके यहाँ पे कोस्ट प्राइस को इश्यू लेके रहता है। जैसे आपको बता देता हूँ थोड़ा, अगर वो आर्टिकल में नहीं है वो पॉइंट मैं आपको अलग से यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे एक पॉइंट ये रहता है कि जो कॉस्ट प्राइस प्लस 50% का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जो किसानों की जो लागत होती है ना उससे 50% उनको एक्स्ट्रा दिया जाए। अब यहाँ पे इश्यू आता है कि किसानों की लागत किसको काउंट किया जाए। कई बार तो किसान लोगों का तो ये कहना होता है कि भाई जो एग्रीकल्चर का जो लैंड है जो जमीन है ना इसका भी आप रेंट इंक्लूड करो कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि वो लैंड की भी तो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू है ना, उसको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो उस लैंड की जो वैल्यू है, लैंड की जो जमीन की जो कीमत है उसको यहाँ पे इंक्लूड लेके एमएसपी वो नहीं डिसाइड कर रही है, इसलिए किसानों को लेके इसमें काफी बड़ा रोष रहता है। इसके बाद में बात आती है सूखे का कि देखो अभी आज के टाइम पे आपको पता है लगातार सूखा पड़ रहा होता है कुछ एरिया में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ देखो प्रॉपर एक्शन प्लान तो ले रही है बट किसान उस चीज़ से अभी तक कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे इशू है। इसके बाद में बात आती है मनरेगा की कि मनरेगा के तहत जो इम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है उससे भी किसान कहने के कुछ है उनको ज़्यादा एक तरीके से पैसों की जरूरत है और वहाँ पे गवर्नमेंट उनको कम पैसे दे रही है, तो रोजगार वगैरह के लिए उनमें आपस में खींचातानी चल रही है। इसके बाद में बात आती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को यहाँ पे ये क्रिटिसाइज किया गया है कि देखो इस बार का एग्जांपल दिया जा रहा है कि इस बार है इंडिया में शुगर काफी अच्छी प्रोड्यूस हुई थी, बट उसके बाद भी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से शुगर वो इम्पोर्ट की। तो भाई एक तो इंडिया में जब शुगर अच्छी हुई है, अच्छी मतलब अच्छी पैदावार हुई है शुगर की, उसके बावजूद क्यों आप नई शुगर बाहर से खरीद रहे हो? अगर आप बाहर से शुगर खरीदोगे उसका मतलब क्या हुआ, इंडिया की जो शुगर है वो सस्ते में बेचनी पड़ेगी किसानों को या जो मिल वगैरह उनको, तो उनको लॉस ही होगा ना। अगर इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही थी तब तो बाहर से इम्पोर्ट करना बनता था। ऐसे गेहूं की पॉलिसी को लेकर काफी बार इश्यू वो रहता है, मतलब गवर्नमेंट को जब एक्सपोर्ट को बैन करना होता है उस टाइम पे तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को बैन करती है, उल्टे काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो ढंग से काम नहीं करती। जब किसानों के पास फसलें ऐसी ज्यादा में प्रोड्यूस होती हैं उस कंडीशन में तो गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, जब उस कंडीशन में तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहिए चीजों को, तो गवर्नमेंट वहां पे भी पॉलिसी ढंग से यूज है वो नहीं कर रही है।
इसके बाद में बात ही आती है यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसके अंदर भी काफी मंदी रही है। जब से डिमोनेटाइजेशन आया है 2016 से, उसके बाद मार्केट काफी ठप्सा हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको लेके भी इनफॉर्मल सेक्टर में काफी लॉस है वो हुआ है। इसके बाद बात की जा रही है कि देखो अभी आपको पता है कि जो एनिमल्स थे इस साल की स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने अपने बजट में गाइडलाइंस वगैरह लेके आई थी कि भाई जो लाइव स्टोर जो एनिमल हैं इनकी एक्चुअली जो आप उनको सेल वगैरह है वो यहाँ पे बैन की गई थी, क्योंकि इनको एक्चुअली जो स्लॉटर हाउस थे उनका काफी बड़ा इशू रहा था। तो उसको लेके भी किसान खुश नहीं थे कि यार कहीं ना कहीं हम तो जानवरों को पालते हैं और उसके बाद उनको मांस वगैरह के लिए बेचते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको भी बैन कर दिया, तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है वही खतरे में आ गया है। इसके बाद में बात की जा रही है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, मतलब जो फार्मर आदिवासी फार्मर होते हैं उनके राइट की यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट है उसने फॉरेस्ट राइट एक्ट को थोड़ा डाइल्यूट किया, जिससे आदिवासी फार्मर्स हैं उनके राइट्स का उल्लंघन है, वायलेशन है वो हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो ये पॉइंट्स यहां सामने आए। इसके बाद में एक लास्ट का जो दसवां पॉइंट है वो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की पॉलिसी। इसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट है वो लैंड एक्वायर करने के लिए जो पॉलिसी लेके आ रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सही नहीं है। किसानों को प्रॉपर ढंग से मुआवजा वगैरह वो नहीं दिया जा रहा है और किसानों की जो उपजाऊ वाली जमीन है उसको हड़पा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके रोजी रोटी या उनकी आजीविका है उसके ऊपर सवाल है वो उठा रही है। तो किसानों के द्वारा बेसिकली 10 पॉइंट यहाँ पे दिए गए राइटर की साइड से कि भाई ये इश्यूज है किसानों के लिए, तो इनको हम कहीं पे यूज कर सकते हैं कि क्या क्या किसानों के इश्यूज वगैरह वहां पे इन पॉइंट्स का हम यूज है बेसिकली कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन को लेके, तो इसके बारे में एक सेकंड हम थोड़ा मैप देख लेते हैं, तब हमें चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर वो हो जाएगी। एक सेकंड, क्योंकि मैपिंग से जब हम चीजें देखते हैं साथ साथ तो हमें काफी सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारे क्लियर हो जाते हैं, और एग्जाम में देखो मैपिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है यूपीएससी मेनली जो ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया बोल सकते हो, इस सवाल में काफी बार क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। तो ये तो आ गया, देखो यहाँ पे इजराइल आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इजराइल की लोकेशन है ऐसे ऐसे ये रहा, और ये यहाँ पे इसकी पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन से एक बार वो भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे जॉर्डन इसका पड़ोसी कंट्री है, यहाँ पे देखोगे तो इजिप्ट इसकी पड़ोसी कंट्री आ जाती है, और इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पे सीरिया है और इस साइड ये लेबनान है। इस पे यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन भी पूछा था, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ की लोकेशन, क्योंकि ये हर साल कोई ना कुछ रीजन की वजह से न्यूज में ही रहता है। कभी इराक न्यूज में रहता है, कभी सीरिया वार न्यूज में रहता है, कभी यमन क्राइसिस, इस वाले एरिया में कुछ ना कुछ इश्यूज है पंगे वो चल रहे ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो बात ये की जा रही है, पहले तो हम देख लेते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसराइल का। देखो जब 1947 का हम बात करें, जब आज़ादी इंडिया को मिली थी उस टाइम की अगर बात करें, तो जो इसराइल वाला जो एरिया देख रहे हो आप, इस वाले एरिया में मैक्सिमम जो लोग थे वो रहते थे यहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे, और इसका एक्चुअली नाम था पहले पैलेस्टीन, मतलब मैक्सिमम जो यहाँ पे इसराइल की जगह नाम था पैलेस्टीन। बट बाद में हुआ क्या, यहाँ पे जूज लोगों ने अपना एरिया बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर दिया, और हुआ लास्ट में ये कि जो छोटा सा जो वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा, आप यहाँ एक सेकेंड थोड़ा यहाँ पे जूम हो रहा है तो आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो देखो छोटी सी मार्कर आप कर्सर देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे ये तो है गाजा स्ट्रिप, तो गाजा स्ट्रिप और यहाँ पे ये है छोटा सा एरिया है वेस्ट बैंक, तो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक है इन दोनों को मिला के पैलेस्टीन है वो बोलते हैं। तो क्या हुआ धीरे धीरे इसराइल ने अपनी नई कंट्री बना ली इस वाले पूरे एरिया में, और जो पैलेस्टीन था वो दो छोटे छोटे भागों में बट के रह गए, एक तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में और एक ये, तो गाजा स्ट्रिप और पैलेस्टीन दोनों को मिला के पैलेस्टीन यहाँ पे बोला जाता है वेस्ट बैंक को, ये हमें ध्यान रखना है। अभी इश्यू क्या था, अभी इश्यू ये था कि इस साल में क्या हुआ, ट्रंप साहब ने कहा कि भाई जो इसराइल की कैपिटल है ना वो तल अवीव की जगह यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया उनके द्वारा जेरूसलम को, और जो ही उन्होंने जेरूसलम को कैपिटल डिसाइड किया तब से सबसे बड़ा बवाल है वो बन गया। क्यों, क्योंकि जेरूसलम जो सिटी है वो एक्चुअली इसराइल और जो पैलेस्टीन का जो बॉर्डर है वेस्ट बैंक वाला, इस वाले बॉर्डर वाले एरिया में है, और ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड सिटी है, और यूएन ने भी इसके ऊपर स्टे लगा रखा है एक तरीके से कि भाई अभी जब तक विवाद का निपटारा नहीं होता तब तक इस सिटी पे किसी का कब्जा वगैरह नहीं रहेगा। तो जो ही ट्रंप ने ऐसा कहा कि भाई जो इसराइल की कैपिटल है वो आज से तल अवीव नहीं है, आज से हम मानेंगे कि इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है, और उन्होंने अपनी एम्बेसी वो जेरूसलम में शिफ्ट करने की बात हो गई, तब से इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया गया, इसराइल को भी इस चीज के लिए काफी प्रेसाइज है वो किया गया था, बट कोई सोल्यूशन उसका नहीं हुआ। तो ये सारा मामला बवाल में आया था, तभी से सारा इश्यूज वगैरह सामने उठ गए। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह तो हमने यहाँ पे देख लिया है। देखो जेरूसलम को जो ही उन्होंने कैपिटल डिक्लेयर किया, इसके बाद सारा मामला बवाल में उठा, डी ट्रंप ने बेसिकली एक्शन हो लिया। अब यहाँ पे एक लॉ बनाया उन्होंने, तो वो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है वो लॉ वर्ल्ड में, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। देखो आपको पता है कि इसराइल में मैक्सिमम जो लोग रहते हैं वो होते हैं जूज इकोनॉमी, तो जूज जो लोग हैं वो वहाँ पे बेसिकली रहते हैं। अब उन्होंने एक लॉ ऐसा बनाया कि जो वहाँ पे माइनॉरिटी जो लोग हैं वहाँ पे पैलेस्टीन वाले मुस्लिम जो लोग हैं उनको एक्चुअली अलग थलग रखने के लिए एक लॉ है वो बनाया, जिसको कहीं ना कहीं राइटर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई जो लॉ बनाया गया है उनके द्वारा वो जूज को तो ऑटोनॉमी दे रहा है, बट जो वहाँ पे जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं जिनको माइनॉरिटी जो जिनको टेक मिला हुआ है उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं आइसोलेट किया जा रहा है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जूज लोगों को ज्यादा राइट्स दिए जा रहे हैं और बाकी लोगों को यहाँ पे प्रेसाइज है वो किया जा रहा है,
तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। इससे और ज्यादा इश्यूज है, इनस्टेबिलिटी वो फैलेगी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो इस बात को लेकर यहाँ पे फोकस वो किया गया। इसके बाद में बात आती है टू नेशन थ्योरी। देखो आपको पता होगा या आप कमेंट बॉक्स में बताना कि टू नेशन थ्योरी को लेकर एक अग्रीमेंट या एक अकॉर्ड हुआ था, उसका नाम क्या है इसराइल को लेकर। काफी बार हमने उसको डिस्कस भी किया, बहुत बार टू नेशन थ्योरी को लेकर एक अकॉर्ड हुआ था इसराइल को लेकर। इसराइल में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इसराइल ने माना था कि हाँ भाई टू नेशन मतलब इसराइल और पैलेस्टीन दोनों कंट्री है। तो ये आपको बताना है कब इस चीज को डिसाइड है वो किया गया था। टू नेशन थ्योरी की बात यहाँ पे आ गई है तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो है मॉब लिंचिंग को लेकर, कि जो भीड़ के द्वारा जो हत्या की जाती है, भीड़ के द्वारा जो कानून बना के जो काम किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी गाइडलाइन है सोसाइटी के लिए, उन्होंने ये कहा है गवर्नमेंट को कि देखो भाई मॉब वायलेंस जैसी घटनाएं हैं वो आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में लगातार है वो बढ़ रही हैं। बात की जाती है कई बार काउ प्रोटेक्शन के नाम पे लोगों की हत्याएं वो की जाती हैं। देखो कई बार क्या होता है, जो काउ प्रोटेक्शन के लिए जो इश्यूज हो रहे हैं उसमें कई बार इश्यूज ये सामने देखने को आते हैं कि कुछ जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फायदों को देखते हुए जानबूझ के इस तरीके के मतलब अंजाम देते हैं ऐसे गैर एक्टिविटीज को, जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं वो भी बढ़ते हैं। कई बार तो जानबूझ के गांव जो गांव को इधर से उधर लोग शिफ्ट करते हैं एक तरीके से, अगर पशुपालन के लिए भी उनकी भी यहाँ पे हत्या हो की जाती है। मतलब जो कव प्रोटेक्शन के नाम पे हिंसा फैलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के सिस्टम को या हारमोनी को, हमारे सिस्टम को बिगाड़ रही है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई कोई ना कोई गाइडलाइन या कोई ना कोई रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए ना, ताकि जो मॉब लिंच या भीड़ के द्वारा जो भी कानून या गलत एक्टिविटीज की जाती हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भी आप सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल के ऊपर कोई भी कोई ना कोई कानून है भीड़ में भीड़ की हिंसा को लेकर इसको बनाया जाए। मतलब कहने की मॉब वायलेंस जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक प्रॉपर स्पेशल कानून होना चाहिए इन चीज के लिए, ताकि रेगुलेशन है वो बढ़े। इसके साथ ही हमारे सोसाइटी का जो हार्मोनी सिस्टम है उसको जानना होगा। और सबसे अहम बात यहाँ पे की जा रही है कि देखो जो भीड़ के द्वारा जो हत्या की जाती है उसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाता है, कि जो लोकल अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल नहीं है। देखो जब भी हिंसा वगैरह होती है तो पहले कुछ ना कुछ इंडिकेशन तो मिल जाते हैं, बट होता क्या है कि जो लोकल प्रशासन होता है वो लापरवाही करता रहता है या मिली भगत होने के कारण ऐसे कार्यों को अंजाम वो दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी है वो इसके लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए। और जब भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं जिस एरिया में ज्यादा हो रही है वहाँ पे स्टडी वगैरह सर्वे वगैरह के थ्रू पता चलना चाहिए कि आखिर इश्यू क्या है, और उसके आधार पर उस वाले एरिया में सोल्यूशन वगैरह वो लेके आने चाहिए। बेसिकली आर्टिकल में ही 3-4 जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ ज्यादा नए पॉइंट है नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट फिर वो पुराने वाले पॉइंट है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ज्यादा कुछ बनता नहीं है। फिर आज का जो मेन इशू है, तो आज का जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पे आता है कि भाई व्हाट्सएप है वो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए अकाउंटेबल है या नहीं है। तो एक मास्टर ऐसा कह रहे हैं कि देखो बिल्कुल अकाउंटेबल है। उनका ऐसा कहना है कि आज के टाइम पे हमारी जो सोसाइटी आप बोल सकते हो हमारी जो लाइफ है वो सोशल मीडिया से काफी घिरी हुई है, और सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें व्हाट्सएप नंबर 1 पे आता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम व्हाट्सएप से काफी ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। तो व्हाट्सएप के टाइम अगर आज कोई भी न्यूज फैलाई जाती है तो इतनी जल्दी लोगों को फैलती है, जिससे कहीं ना कहीं काफी हिंसा वगैरह फैल जाती है। ये यहाँ पे बेसिकली मतलब डायरेक्टली व्हाट्सएप को जिम्मेदार है वो ठहरे हैं कि व्हाट्सएप सोशल मीडिया का बहुत बड़ा लिंक है, इससे ज्यादा खतरा है वो फैल रहा है। तो ये इनके द्वारा बेसिकली पॉइंट है वो दिया जाता है। इसके बाद में एक दो दूसरे मास्टर हैं वो कह रहे हैं कि देखो व्हाट्सएप को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? उनका तरह ये कहा जा रहा है कि देखो गवर्नमेंट बार बार ये पल्ला झाड़ रही है अपनी बात कहके कि भाई व्हाट्सएप की गलती है। सारी गलती व्हाट्सएप की थोड़ी है, व्हाट्सएप के बिना भी तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि व्हाट्सएप नहीं था तो उससे पहले मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं हो रही थी, उससे पहले भी तो हो रही थी। और जिन वाले एरिया में इंटरनेट वगैरह को बैन किया जाता है फिर भी वहां पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। मतलब व्हाट्सएप के अलावा और भी सोशल मीडिया है, फेसबुक हो गई, ट्विटर वगैरह, वहां से भी तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन वगैरह को फैलाया जा रहा है ना, तो उनकी तरफ भी तो हमें फोकस करना चाहिए। और अहम बात यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ पल्ला झाड़ रही है इस बात को कहकर कि भाई व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है। भाई गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट भी तो चाहे तो व्हाट्सएप वगैरह को रेगुलेट कर सकती है ना, क्योंकि उसी के पास तो रेगुलेशन अथॉरिटी है, ट्राई है, उसके पास भी तो बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, उन खेल से वो भी चाहे तो व्हाट्सएप को रेगुलेट कर सकती है। तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ना, तो मतलब कोई भी कानून वगैरह वो गवर्नमेंट को बनाना होगा, ना कि व्हाट्सएप इसके लिए कानून वगैरह बनाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ना कि अकेला व्हाट्सएप, की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं बैलेंस अप्रोच की, जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो बैलेंस अप्रोच की बात ऐसी है, कुछ हद तक व्हाट्सएप जिम्मेदार भी है, और पूरा हम ऐसे बोले कि नहीं भी व्हाट्सएप इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप के अलावा भी और बहुत से रिसोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हैं इनको अंजाम है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले तो इनके द्वारा राइटर के द्वारा पॉइंट किया जाता है कि देखो तो सोर्स के आधार पर हमें एक्शन लेनी चाहिए। जहां से जो मैसेज वगैरह जो फैला या जो फोटो वगैरह फैली है जिससे हिंसा वगैरह फैल रही है, भड़क रही है, उसको हमें सोर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई सोर्स कहाँ है इसका, कहाँ से ये चीज़ ओरिजिन हुई है, उसके बाद हमें एक्शन वो लेनी चाहिए। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो हमें स्ट्रॉन्ग कानून बनाना चाहिए, ताकि हम सोसाइटी के मन में जो भी लोग हैं जो भी ऐसे गलत बातें फैलाते हैं उनके मन में डिटरेंस बना सकें कि अगर भाई आपने गलती से भी ऐसी कोई न्यूज़ फैलाई है तो आपका इसका काफ़ी बड़ा अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा।
इसके बाद में बात की जाती है लोकल अथॉरिटी की। देखो जब भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है तो लोकल अथॉरिटी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार वो होती है, तो लोकल अथॉरिटी के ऊपर फोकस अदा करना चाहिए, उसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए और उसके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई वो इसके लिए जिम्मेदार है तो उसको उचित एक्शन लेने चाहिए। इसके बाद में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट और जनता दोनों को एक साथ मिलकर आना होगा। गवर्नमेंट अकेले भी चीज पे एक्शन नहीं ले सकती और जनता भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को कानून बनाना होगा, जनता को गवर्नमेंट का साथ देना होगा, तभी जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हैं इनको हम दूर है वो कर सकते हैं, सोसाइटी का हमारा सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद में एक अहम पॉइंट आता है पॉलिटिकल विल। देखो जब तक राजनेता हैं, अब हमारे देश के नेता लोग हैं, वो ढंग से काम नहीं करेंगे, उसको उनके मन में ऐसा नहीं होगा कि यार हमें ऐसा कानून बनाना है स्ट्रॉन्ग कानून, तब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो पॉलिटिकल जो विल है उसकी भी एक अहम जरूरत यहाँ पे हो जाती है। और एक लास्ट में पॉइंट दिया गया गवर्नेंस का, कि हमारे गवर्नेंस सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो पीछे प्लेग्राउंड या प्ले बैकग्राउंड में जो गेम खेले जा रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे मतलब यह है कि जो सामने तो कुछ बातें और की जाती हैं पीछे कुछ और काम किए जा रहे हैं, उनको हमें छोड़ना होगा। इसके साथ ही साथ हमें गेम खेलने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें रियल में सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। और जो भी व्हाट्सएप जैसे इशूज सामने आ रहे हैं, सोसाइटी का सिस्टम बिगाड़ रहे हैं, उनके ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग कानून बना के उसको रेगुलेट है वो करना चाहिए। तो ये था कम्प्लीट आर्टिकल, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। मैं आपको बताता हूँ कि जो एथिक्स की आंसर राइटिंग है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से एथिक्स की आंसर राइटिंग है हिंदी में वो कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बेसिकली आपको वो प्रोवाइड है, वो की गई है कंप्लीट। वहां पे क्वेश्चन वगैरह भी आपको मिलेगा और जो पूरी स्टडी वगैरह केस स्टडी है वो भी यहाँ पे जल्दी डिस्कशन वो की जाने वाली है। तो आप इनके लेके जो भी आपको पॉइंट्स वगैरह वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगर आपको सजेशन देना है तो उसके बारे में भी। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।